स्कूल के सामने हो और अभी हम आपको अंदर भी ले चलते हैं, वो इटली में एक गवर्नमेंट स्कूल है जो यहाँ पे कहा जाता है स्टेट स्कूल। इसका नाम है इकबाल मसी एलिमेंट्री स्कूल। इकबाल मसी कौन? वही पाकिस्तानी बच्चा जो 12 साल की उम्र में बड़ी बेदर्दी से मुरीदके में मारा गया था। वही बच्चा जिसने बहुत ही सख्त और तल्ख जिंदगी गुजारी और बड़ी मुश्किल से उससे छुटकारा पाया। वही बच्चा जो कि पाकिस्तानी बच्चों के हुकूक की एक रोशन मिसाल बना और आज अगर जिंदा होता तो 36 साल का आदमी होता। मेरी इत्तला के मुताबिक इटली के अंदर 17 ऐसे स्कूल हैं जिनका नाम इकबाल मसी स्कूल है, लेकिन ये उनमें सबसे पहला है। '83 में पैदा होने वाले इकबाल मसी ने अपनी छोटी सी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कालीन की फैक्ट्री में जबरी मुशक्कत करके गुजारा, लेकिन उसकी जिंदगी और मौत का असर दुनिया में कई जगह महसूस किया गया। 1998 में इस स्कूल का नाम इकबाल मसी स्कूल रखा गया। इस स्कूल का नाम वोटिंग के जरिए तय किया गया था जिसमें हमारे स्टूडेंट्स शामिल थे, पुराने स्टूडेंट्स, उनके माँ बाप और कुछ शहर के इदारे। हमने काफी नाम सामने रखे थे, कल्चर और साइंस से मुताल्लिक कुछ शख्सियात थी। बच्चों ने इकबाल मसी का नाम चुना। उनके मरने की खबर जब इन्होंने अखबारों में देखी तो वो उनके दिल को लगी। हर रोज 5 साल से 10 साल के 200 बच्चे इस दरवाजे से दाखिल होते हैं और सबसे पहले अपने सामने वो देखते हैं इकबाल मसी की ये तस्वीर। ये पोर्ट्रेट भी यहाँ के एक लोकल आर्टिस्ट ने इस स्कूल को तोहफे में दी थी। मेरी जब इनकी प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि क्लास 1 में जब बच्चे नए नए आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि उनका नाम क्या है, वो क्या खाते हैं, उनको क्या पसंद है, वो अपनी शख्सियत बयान करते हैं। फिर उनको स्कूल की शख्सियत के बारे में बताया जाता है, ये स्कूल किसके नाम पे है, इकबाल मसी कौन था, क्या चाहता था, उसके क्या ख्वाब थे। शायद आप भी इतना ना जानते हो इकबाल के बारे में, तो क्यों ना यहाँ के स्टूडेंट से खुद ही पूछ लिया जाए। इकबाल मसी के era un bambino come noi pakistano। इकबाल मसी हमारी तरह एक बच्चा था मगर पाकिस्तानी। वो गुलामी में कालीन बनाने का काम करता था। कभी उसको सख्त सजाएं भी मिलती थीं और उसकी छोटी सी उंगलियां जख्मी भी हो जाती थीं। फिर एक दिन वो कुछ बच्चों के साथ भागने में कामयाब हो गया। उसने दुनिया भर में अपनी और दूसरे बच्चों की बात की और वो मशहूर हो गया। इकबाल मसीह बच्चों के हुकूक की बात करता था क्योंकि बच्चों के हाथ में काम के औजार नहीं बल्कि कलम और पेंसिल होने चाहिए। उन्हें स्कूल जाना चाहिए, वो सब कुछ करना चाहिए जो हम रोज़ यहाँ करते हैं। इकबाल जब अपनी इस गुलामी से आज़ाद हुआ तो वो एक एक्टिविस्ट बन गया। उसने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाकर अपनी कहानी सुनाई। जब बच्चों की जबरी मुशक्कत पर बात इतनी फैल गई तो पाकिस्तान में कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं जहां बच्चों से मजदूरी कराई जाती थी और लगभग 3,000 बच्चे इस तारीख और मुश्किल ज़िंदगी से आज़ाद हुए। बच्चों को ऐसी रोशन और खुशियों से भरपूर जगह में पलना चाहिए, उनका बचपन हिफाजत से हंसते खेलते गुजरना चाहिए। जब इस स्कूल का नाम रखा गया तो उसमें ये किताब शाया हुई उस वक्त। इसमें बच्चों ने अपने मैसेजेस लिखे इकबाल के लिए, इकबाल की ज़िंदगी की तस्वीर बनाई, उसके गांव की, उसके माँ बाप की, उसके कारपेट की फैक्ट्री की और जिस तरह उसकी मौत वाकई हुई। और फिर क्लास 2 के बच्चों ने इकबाल को एक ख़त भी लिखा जो मैं आपको उर्दू में पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। वो लिखते हैं, प्यारे इकबाल, हमने तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनी और अब हम ये जान गए कि तुम एक बहादुर बच्चे थे। तुम सब बच्चों के हुकूक के लिए लड़े, लेकिन तुम बदकिस्मत भी थे। हम तुम्हें याद रखने के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम अपने स्कूल को तुम्हारा नाम देना चाहते हैं। तुम्हारा ये स्कूल एक ऐसी जगह होगा जहाँ हर एक को अमन और इंसाफ मिलेगा। मैं यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे इकबाल की कहानी के जरिए पाकिस्तान के बारे में अब ज्यादा जानते हैं। इकबाल उनके लिए एक बहादुर लीडर की मानंद है जिसकी कहानी दो खास मौजूदात पर रोशनी डालती है, हुकूक और फराइज। खेलने का हक, सेहत का हक, तालीम का हक, ये सब तभी मुमकिन है जब फराइज पूरे हों, जब स्कूल हों, बच्चों के पास भागने और खेलने के लिए पार्क हों, साफ माहौल हो।
हमाद इस स्कूल के एक पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं। जब इनकी वालदा माहम ने इस स्कूल का नाम जाना तो उन्हें हैरानी भी हुई और फख्र भी। और अब उनका बेटा इटली में पाकिस्तान के बारे में मजीद सीख रहा है। जब मैं आया था ना पहली दफ़ा, फिर मुझे पता नहीं था ये कौन था, फिर उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने इसकी फिल्म भी देखी थी, मगर बस थोड़ा सा रोने लग गया था क्योंकि बस। जब इस स्कूल को 10 साल गुजरे तो फिर एक और किताब छपी जिसका नाम है इकबाल मसीह की याद में 1998 से 2008 एक जिंदा वजूद। इसमें भी बच्चों ने ड्राइंग्स की और इकबाल के लिए कुछ खत लिखे। उनमें से एक मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इकबाल, हमने तुम्हारी कहानी सुनी, हमने तुम्हारी तस्वीर देखी, जीत का निशान लिए तुम्हारे ऊंचे बाजू देखकर हम मुस्कुराए, तुम्हारी आंखों में संजीदगी देखकर हम घबराए। शुक्रिया उन नन्ही उंगलियों का जिन्होंने इतनी थकन उठाई, शुक्रिया अपने इतने बड़े दिल का जो दुनिया के लिए इतनी बड़ी बातें कर गया, शुक्रिया इस बहादुरी का कि अब तुम हमेशा हम सब में जिंदा रहोगे। फ्रांचेस्को आदमो, ये एक राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, अवार्ड विनिंग राइटर हैं जो बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ लिखते हैं। उन्होंने इकबाल की कहानी से मुतासर होकर ये किताब लिखी जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इकबाल। और ये किताब जो है ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ में यहाँ छोटे बड़े हर शहर के अंदर मिलती है, मैंने भी लाइब्रेरी से ही ली है। इस किताब के ऊपर मबनी एक इटालियन प्रोडक्शन हाउस ने एक फ़िल्म बनाई, एनिमेशन फिल्म बच्चों के लिए, जो कि एक फ्रेंच और इरेनियन फिल्म मेकर ने तरतीब दी, मगर बनी ये इटालियन में थी, चली ये इटालियन स्टेट टीवी पे थी और इसका नाम था इकबाल, एक निडर बच्चे की कहानी। फिल्म बनाने वालों ने इकबाल की मौत का जिक्र नहीं किया। कोई बच्चा कैसे इस नाइंसाफी को मान ले कि एक छोटे से हीरो को 12 साल की उम्र में किसी ने गोलियां चलाकर खत्म कर दिया। एक सवाल ये है कि ये सब क्यों अहम है। यहाँ 4 साल पहले जब इटली का मैट्रिक का इम्तिहान हुआ तो उसके अंदर एक पर्चा आया जिसमें बहुत सारे सवालों में से एक सवाल चुनकर उस पर ऐसे लिखना था। एक सवाल था मलाला के ऊपर। उस वक्त इटली के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि अगर मैं आज ये इम्तिहान दे रहा होता तो मैं मलाला का सवाल चुनता। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हों कि ये तो पाकिस्तान पर उंगली उठाने वाली बात है, पाकिस्तान को बुरी रोशनी में शो करने वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब यहाँ स्कूल में आई तो मुझे बच्चों ने इतना वेलकम किया, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो लगा जैसे कि उनका तो पाकिस्तान से पहले से ही एक रिश्ता था। और ये बहुत अहम है, ये इस मुल्क की अगली नस्ल है, ये लोग फैसला साज बनेंगे, ये अहम शख्सियात बनेंगे, इनके अंदर हमदर्दी होनी चाहिए, इन्हें पता होना चाहिए कि दुनिया में और बच्चे किन मुश्किलात में रहते हैं, किन मुश्किलात का सामना करते हैं। जुल्म और बहादुरी दोनों का एहसास होना चाहिए, वरना हम सभी बेहिस बन जाएं। हम सब मिलकर पाकिस्तानी बच्चों को सलाम पेश करते हैं। अबूरी पाकिस्तान।